Hello and welcome to this lecture. We are today we are going to discuss about the power transistors. Power diodes are uncontrolled devices. Power diodes are uncontrolled devices. This was the reason we went for the invention of bipolar junction transistor. Diode ke characteristic ko aap control nahi kar sakte ho kyunki ek hi junction hota hai beech mein. लेकिन जब हम ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो दो जंक्शन होने के कारण हम उसके कैरेक्टरिस्टिक को क्या करते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं. इन अदर वर्ड्स, देयर टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट अंडर कंट्रोल. पावर ट्रांजिस्टर्स हाउएवर पॉसेसेस कंट्रोल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. दीज आर टर्न ऑन व्हेन अ करंट सिग्नल इज गिवन टू बेस और कंट्रोल टर्मिनल. The transistor remains in the on state so long as control signal is present. When this control signal is removed, a power transistor is turned off. Power transistor जो है वो दो तरीके के हो सकते हैं. एक हो सकता है bipolar junction transistor और एक हो सकता है MOSFET. ठीक है, और insulated gate bipolar transistor, तीन तरीके के, तीन category में divided. एक तो हम लोग power transistor बोल देंगे सीधे सीधे, इसको सीधे सीधे power MOSFET बोल देंगे. और ये होता है, वो होता है IGBT, बहुत popular insulated gate bipolar transistor. तो तीनों के तीन कैटेगरी में हमको पढ़ना है. तो पहला है आपका बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जैसे बनता है वैसे ही बनाया गया. देखो ये एनपीएन है या ये पीएनपी है, ये बेस है, कलेक्टर है, एमिटर है, सब आप देख सकते हैं. अब बाइपोलर ट्रांजिस्टर इज अ थ्री लेयर टू जंक्शन एनपीएन और पीएनपी सेमीकंडक्टर डिवाइस विद वन पी रीजन सैंडविच्ड बाय टू एन रीजंस. बताने की जरूरत नहीं है एनपीएन पीएनपी कैसे बनाते हैं, किसको बोलते हैं बेस, किसको बोलते हैं कलेक्टर, किसको बोलते हैं एमिटर. यू वेरी वेल नो अबाउट इट. ठीक है, तो एमिटर को एरो हेड से बताते हैं, ये भी आपको पता है. ठीक, आउट ऑफ दिस थ्री पॉसिबल सर्किट्स कॉन्फ़िगरेशन जिसमें सी 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 बी हो सकता है, कॉमन एमिटर का अरेंजमेंट इज मोस्ट कॉमन. ये आपको पता है, एम्पलीफायर के जैसे ज्यादा यूज होता है. इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जो है इस तरीके से हम लोग उसका डिफाइन करते हैं. ये सब आप लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं. नथिंग न्यू इज हियर इन केस ऑफ द पावर ट्रांजिस्टर. ठीक है, ये ग्राफ जो है इस तरीके से बनाया गया है वीवी और आईबी के बीच में. वीवी इनपुट वोल्टेज, आईबी इनपुट करंट है, और आपको आउटपुट करंट भी इस तरीके से यहाँ पे आउटपुट करंट भी शो किया गया वीसी और आईसी के बीच में आईबी के वेरिएशन के साथ. तो ये सब आप लोग प्लॉट कर चुके हैं, इसमें कुछ नई चीज नहीं है बताने लायक. ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं ये फिगर 2.5A के बारे में. ये जो है वो आउटपुट करेक्टरिस्टिक बता रहा है कर्व का, आईबी की वैल्यू जीरो के लिए और आईबी की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, आईबी इक्वल टू जीरो. The initial part of curve 2 characterized by low VC is called saturation region. इसको saturation point बोलते हैं. In this region, the transistor acts like a switch. The fault part of curve 2 indicated by increasing VCE. ये इस तरफ. And almost constant IC is the active region. ठीक है? In this region, transistor acts like an amplifier. तो अलग अलग एम्पलीफायर कहाँ पे सैचुरेशन, ये भी आप लोग जानते हैं. लोड लाइन बनाना कैसे, क्या क्या होता है, सैचुरेशन रीजन कहाँ पे है, एक्टिव रीजन कहाँ पे है, इस तरीके से आप लोग रिलेट करके उसको पढ़ सकते हैं. आईसी का रिलेशन आप लोग निकाल सकते हैं वहां से, वीसीसी माइनस वीसी अपॉन आरसी, वो सीधा केसीएल लगा के आप निकाल लीजिए. अल्फा बीटा भी आप लोग निकाल चुके हैं. अल्फा की वैल्यू आईसी अपॉन आई होती है, 0.95 से 99 होती है. बीटा होता है आईसी अपॉन आई बी, जिसको हम एचएफई भी बोलते हैं. जब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं तो हम लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में. KCL अगर आप लगाएंगे तो I इक्वल टू क्या होता है, IC प्लस IB. एमिटर करंट हमेशा इक्वल होता है कलेक्टर प्लस बेस करंट के, ये भी हम जानते हैं. इस तरीके से अल्फा बीटा का रिलेशन निकलता है, ये भी आप लोग डिराइव कर चुके हैं ईडीसी. ठीक है, ट्रांजिस्टर कैसे स्विच की जैसे काम करता है, इसी आपको कोई नहीं पूछने वाला. इस पर्टिकुलर सिलेबस की बात कर रहा हूँ मैं अभी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की. ठीक है, तो ये पूरा वही है जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. किसके बारे में, ट्रांजिस्टर के बारे में, पहले ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, पावर जिसको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी बोलते हैं, वहां पे आप लोग ये पढ़ के आ चुके हैं. ठीक है, तो इसमें कुछ नई चीज नहीं है मुझे बताने के लिए. ट्रांजिस्टर का स्विचिंग परफॉर्मेंस यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से स्विचिंग परफॉर्मेंस होता है. इसको आप लोग नहीं पढ़ेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है. ठीक, ये आपको एक न्यूमेरिकल बता के समझाने की कोशिश की गई कि किस तरीके से आप स्विचिंग पावर निकाल सकते हैं या उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. नॉट इम्पोर्टेंट दिस न्यूमेरिकल इज. ठीक है, पावर मॉस्फेट की तरफ चलते हैं. एक मेटल सेमीकंडक्टर जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है उसको हम लोग बोलते हैं. ठीक है, अ पावर मॉस्फेट हैज थ्री टर्मिनल्स कॉल्ड ड्रेन, सोर्स एंड गेट. फिर से वही देखिए, सिर्फ रेटिंग चेंज होती है. फ्लो जो आपका जो बेसिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है या जो बेसिक कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है
वो चेंज नहीं होगा, रेटिंग चेंज होगी। मिली वोल्ट में काम करते थे किलो वोल्ट में काम कर रहे, मिली एम्पियर में काम करते थे किलो एम्पियर में काम कर, मेगा एम्पियर में काम कर रहे। इंडस्ट्री ओरिएंटेड बनाना है बस, ठीक है। तो ये है आपका डायग्राम, पी सबस्ट्रेट है, ये एन एन प्लस से गेट बनाया गया है, ये गेट है आपका, ये सोर्स टर्मिनल है, ड्रेन टर्मिनल है, डोपिंग की गई है यहाँ सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर की, ये लोड लगाया गया है, वीजीएस मतलब गेट टू सोर्स वोल्टेज, वीडीडी मतलब ड्रेन टू, यहाँ से वीडीडी मतलब सप्लाई है आपकी, ये ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज मिलेगा आपको। ये है आपका एन चैनल एनहेंसमेंट पावर मॉसफेट। अब इसमें भी एनहेंसमेंट टाइप, डिप्लीशन टाइप, अलग अलग मॉसफेट होते हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में भी, ठीक है। इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो एरो आपका डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो है, कोई बात नहीं, ये आप जानते ही हैं। अब बीजेटी इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस, वेयर इज अ पावर मॉसफेट इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, नथिंग इज न्यू, ये भी आप लोग जानते हैं। एज इट्स ऑपरेशन डिपेंड्स अपॉन द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स ओनली, मॉसफेट इज अ यूनिपोलर डिवाइस, ठीक है, बिल्कुल। बीजेटी को बाइपोलर बोलते हैं और मॉसफेट को यूनिपोलर बोलते हैं, अगेन नॉट अ न्यू थिंग। नया क्या है इसमें, एक्सट्रीमली हाई ऑर्डर ऑफ करंट में काम, रेजिस्टेंस में काम करेगा 10^9, ठीक है। BJT suffers from second breakdown voltage whereas MOSFET is free from this problem, okay. Power MOSFETs are now finding increasing application in low power high frequency converters. तो देख सकते हैं construction same रहने वाला है, बस rating change होगी, तो higher ratings के लिए हम लोग उसको use करेंगे, इतना आपको बता के उसको छोड़ देना है। A simplified structure of n channel planar MOSFET of low power rating is shown in figure 2.11b. अच्छा, तो इस तरीके से आप क्या बना सकते हैं, n channel मॉसफेट बना सकते हैं, पावर मॉसफेट। तो ये एक नया यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, क्या क्या है उसमें देख लेते हैं अपन। पी सबस्ट्रेट जो है बॉडी है, टू हेवीली डोप्ड एन प्लस रीजन्स आर डिफ्यूज्ड एज शोन, एन इंसुलेटिंग लेयर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज ग्रोन ऑन द सरफेस, नाउ दिस इंसुलेटिंग लेयर इज ईस्ड इन ऑर्डर टू एम्बेड मेटेलिक सोर्स एंड ड्रेन टर्मिनल्स, नोट दैट एन प्लस रीजन्स मेक कॉन्टेक्ट विद सोर्स एंड ड्रेन टर्मिनल्स एज शोन, a layer of metal is also deposited on SiO2 layer so as to form the gate of the MOSFET, ठीक है। Process बताया गया कि किस तरीके से इसका construction हुआ है, ये n substrate है, ठीक, ये source है आपका, drain terminal है, ये आपका gate है, यहाँ से किस तरीके से ये load connected है, ये पूरा process वहाँ पे explain किया गया, ठीक है। Main disadvantage जो है n-channel planar का वो ये है कि ड्रेन एंड सोर्स के बीच में जो है वो लार्ज ऑन स्टेट रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज होता है, ठीक है, और ये सिर्फ लो पावर मॉसफेट के लिए फिजिबल है, हाई पावर के लिए फिजिबल नहीं है। बाकी मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वीजीएस गेट टू सोर्स वोल्टेज है, ड्रेन टू सोर्स के बीच में सप्लाई आती है जिसको आईडी बोलते हैं, ये सब आप लोग पहले से ही जानते हैं, है ना। इसमें सिर्फ कंस्ट्रक्शन आप लोग देख लेंगे, बाकी इसमें कुछ अलग से पढ़ने वाली चीज नहीं, ठीक है। Power MOSFET conduction is due to the majority carriers, therefore time delays caused by removal or recombination of minority carriers are eliminated. Thus, power MOSFETs can work at switching frequencies in the megahertz range. Megahertz range की switching frequency में काम कर सकता है. Transfer characteristic इस तरीके से transfer characteristic बनाते हैं VGS और ID के बीच में, ये VGST होता है, ये भी आप लोग जानते हैं, और इसका output characteristic भी किस तरीके से draw होता है आप लोग को पता है, ठीक है। कहने का मेरा मतलब है, इसको मैं स्किप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें आप लोगों को पहले से ही पता है, बस आप देख लेंगे कि रेटिंग कैसे यूज हो रही है और रिवाइज कर लेंगे अपने पुराने जो कंसेप्ट हैं आपके, जो ट्रांजिस्टर और डायोड के और मॉसफेट के, वो अगर आपको अच्छे से पता है तो आपको इसको लिखने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी आपके एग्जाम में। कंपेरिजन ऑफ मॉसफेट विद बीजेटी, ये तो वही ईडीसी का क्वेश्चन जिसमें बहुत पॉपुलर क्वेश्चन की मॉसफेट बीजेटी में क्या डिफरेंस होता है, उस तरीके से आप इसको देख के पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर के बारे में, आईजीबीटी पॉपुलर है, एग्जाम में बार बार आता है। तो आज हम लोगों ने स्टडी किया पावर मॉसफेट और पावर बीजेटी के बारे में। दिस इज ऑल फॉर टुडेस लेक्चर, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।